अभी अभी जो आपने देखा वीडियो कट गई, मैंने निक्कू को मारा। मैंने इसलिए मारा क्योंकि अभी उसका पैर कटने से बच गया, ये पूरा शीशा उसने नीचे गिरा दिया ऊपर से, और ये शीशा इतना भारी गया, एक हाथ से ना मैं उठा भी नहीं सकती उसको, इतना भारी है ये। हो गया इसमें 30 किलो वजन, अगर ये पैर पे गिरता पैर टूट जाता, बच गया इतना सा बच गया। और यही बच्चे दिमाग खराब करते हैं, इस तरह की हरकतें निक्कू करता है ना बहुत ज्यादा, कि उसको पीटने का ही मन करता है। और मैंने आज पीट ही दिया उसको, एक लगा दिया जमा के बहुत तेज वाला, भागा नीचे और बोल रहा है मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया, अपने आप गिर गया। अपने आप कुछ होता है गाइस? अपने आप नहीं गिरा, इसने खुद छेड़खानी करी तभी गिरा है। तो मैं आपको बता रही थी कि फिर मैंने अपनी मौसी को फ़ोन किया, मौसी ने बताया कि ऐसी दवाई मौसा को भी मिली थी नींद वाली, लेकिन यह है कि मौसा में और मुझ में बहुत फ़र्क है। एक आदमी को अगर नींद की दवाई मिल भी गई है तो भैया आदमी सो सकता है, उसके घर में जो लेडीज़ हैं वो घर का काम कर लेंगी और वो रिलैक्स होकर सो जाएगा, उसको खाना पीना भी बना बनाया मिल जाएगा। मेरा चक्कर ये है कि मैं हूँ एक औरत और मैं, मेरे को अपने बच्चे भी देखने हैं, मेरे को घर का काम भी करना है, मेरे को घर खाना भी, हम लोग इतने अमीर तो है नहीं कि भाई मेरे घर में काम वाली आएगी, तो खाना भी देखना है, खाना बनाना भी है, देना भी है बच्चों को, स्कूल का ट्यूशन का सब कुछ मेरे को देखना है। फिर भी भाई मेरी मम्मी इतनी हेल्प कर रही है, स्कूल से बच्चों को भी लेके आ जाती है मेरे, और फ़ोन गिर जाता है बार बार, तो बच्चों को भी लेके आ जाती है स्कूल से। मैं सो रही थी और हस्बैंड भी अभी काम पे नहीं जा रहे हैं उस तरह की ड्यूटी पर जो कि मेरी हेल्प ना हो पाए, तो वो भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं और मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे को गोली बहुत बेकार लग रही है, क्यों ऐसी गोली जिससे मेरा इलाज हो रहा है। हाँ दिमाग जो मेरा दर्द होता है उसमें रिलैक्स है वो ठीक है, लेकिन ऐसी गोली खाकर मैं कब तक ये गोली खा सकती हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये गोली मैं खाती हूँ तो नींद आती है, और नींद आती है तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, और बच्चे मेरे इधर उधर बेचारे देखते रहते हैं, खाना पीना कुछ भी टाइम पर नहीं मिल पाता, और मैं भी खाना नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मेरे को नींद ही नींद आती है, तो भाई मैं भी सोती रहती हूँ। तो ऐसे कब तक चलेगा? फिर मैंने अगले दिन वो गोली नहीं खाई, वो गोली मैंने छोड़ दी इसी डर की वजह से, लेकिन मौसी ने बोला गोली तो भाई खानी पड़ेगी अगर इलाज कराना है तो, क्योंकि इलाज तभी होगा जब मैं गोली टाइम पर खाऊंगी। तो फिर मैंने कल रात को फिर से वो गोली खाई, और फिर से आप मेरी हालत देख लो, मैं 12 बजे सोकर उठी हूँ, और 12 बजे सोकर उठने के बाद भी अब मैंने खाना बनाया, बस चाय भी मेरे हस्बैंड ने बनाकर दे दी थी, मुझे एक सैंडविच बनाकर दे दिया था, मैंने वो खा लिया। अब आप सोचो सुबह से बज रहे हैं 2 और मैंने सिर्फ एक सैंडविच खाया है, और वो भी मेरे हस्बैंड ने बनाकर दे दिया, अगर वो नहीं बनाते तो सोचो वो भी नहीं खा पाती मैं, तो वो दे दिया। उसके बाद अब मुझे अभी भी नींद आ रही है, अभी मैं लेटूंगी ना मुझे फिर से नींद आ जाएगी, इतनी नींद मुझे आ रही है। मैं नहाई धोई नहीं हूँ, घर का कुछ काम नहीं किया मैंने, मम्मी ने झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया मेरा, और मेरे बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म भी दे दी, लेकिन मेरी माँ भी भाई कब तक करेगी। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसा ट्रीटमेंट है कि नींद आती है, और मुझे ट्रीटमेंट भी समझ में आ रहा है, वो लोग भी अपनी जगह पर सही है, उन्होंने इसका भाई माइग्रेन का ना यही ट्रीटमेंट होता है कि आपको एक ऐसी गोली दी जाती है जिससे नसों में कुछ होता है जिससे आपको नींद आती है, और नींद से रिलैक्स होते हैं, और रिलैक्स होने से आपका सिर दर्द ठीक होता है। तो मेन जो बीमारी है वो सिर दर्द की, वो नींद की वजह ही सारी जड़ होती है उसकी, और ये सच है क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती। मैं रात को 1-1.5 बजे सोती हूँ और फिर सुबह फिर से उठ जाती हूँ, तो मेरी नींद जो है वो खलल हो जाती है नींद में, और नींद खराब होने की वजह से फिर मुझे होता है अगले दिन सिर में दर्द। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि अगर ये सिर दर्द नहीं ठीक हुआ जल्दी, अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, फिर इसका कोई माइग्रेन का कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, फिर ये हर हफ्ते हर 4 दिन में होता रहेगा और ज़िंदगी भर होता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए ये दवाई दी गई है, ब्लड टेस्ट भी मेरे किए गए हैं जिसकी अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, और क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना गाइस कि आपको क्या लगता है, मुझे ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए जो मुझे नींद की गोलियां दे रहे हैं खाने के लिए, या नहीं कराना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी कल मजाक उड़ा रहे थे मेरा, कह रहे ला भाई मेरे को भी दे वो गोली कौन सी है जिसे खाकर नींद ही नहीं आती, मैं भी खाकर देखता हूँ। तो फिर ऐसे तो कोई नहीं खा सकता, और वो दवाई भी दुकान पर नहीं मिलती इस तरीके से, तब मिलती है, वो एक ड्रग्स है, वो दवाई भी आपको तभी मिलेगी जब बड़े डॉक्टर आपको लिख कर देंगे, एम्स के पेपर्स पर वो दवाई लिखी हुई है, इसलिए बाजार से मुझे वो दवाई मिल गई, वरना वो दवाई नींद की गोलियां कभी नहीं मिल सकती गाइस। और उसे खाकर बस नींद बहुत अच्छी आती है, और सच में यार कसम से नींद इतनी आती है, और ऐसी नींद आती है ना कि कोई चिल्लाए बैंड बजाए ढोल बजाए आपको सुनाई देना भी बंद हो जाता है, आप बस सोते हैं और सिर्फ सोते हैं और कुछ भी नहीं, ना कोई सपने आएंगे, ना आप कुछ सोच पाएंगे, ना आपसे कोई बोल पाएगा, कोई चिल्ला रहा है टीवी देख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सोते रहो सोते रहो। तो ये इस तरह की दवाई होती है, लेकिन ये मेरा जो लाइफ स्टाइल है टाइम टेबल वो सारा इस वजह से बिगड़ रहा है, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ और काम नहीं हो पा रहा है घर का, और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्टर्ब हो रही हैं, बच्चों को नहीं देख पा रही हूँ, तो ये
हेल्प इस समय लगता है कि कोई काश हेल्प करने वाला हो। मेरी मम्मी बहुत करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी भी कितना करेंगी, उनके भी अपने पोता पोती हैं, बहू है, उनको भी देखना होता है, वो यहाँ भी आती है। मेरी मम्मी आप देखोगे ना गाइस, मेरी मम्मी बहुत कमज़ोर सी पतली सी है। कल मैं मम्मी का भी ब्लॉग बनाकर डालूंगी, और फिर भी मेरी मम्मी इतना करती है, बेटी का भी करती है, जाकर बहू का भी करती है, सबका करती है वो तो बेचारी। और मम्मी का बहुत बड़ा सहारा है। मैं मम्मी से कुछ भी काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन क्या करूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी पड़ जाती है। मम्मी मेरे घर में आकर काम करती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, सच में बहुत अच्छा नहीं लगता, तरस आता है देखकर कि भाई ये भी कब तक करेंगी। और अभी देखो मैं बात कर रही हूँ, मेरे सिर में भारीपन आ रहा है। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं क्या होगा। ये दवाई मैं कब तक खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सभी लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि ये दवाई मुझे खानी चाहिए। अगर आप में से कोई कभी न्यूरो का ट्रीटमेंट या माइग्रेन का या डिप्रेशन का, एंटी डिप्रेसिव भी है वो टैबलेट, जब आप टेंशन लेते हैं, मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई थी, 3 महीने तक वो घर में थी, तो मैंने बहुत टेंशन ले ली, उससे भी मेरे को सिर दर्द होने लग गया। तो अगर आपको भी कोई एंटी डिप्रेसिव दवाई मिलती है, या फिर आपने भी देखा है किसी को कोई डिप्रेशन में है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये दवाइयों का क्या सीन है भाई, कब तक ये दवाई खानी होती है, और क्यों ये खाना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी तो हो गई तभी डॉक्टर ने लिखा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो जाएगा दोबारा। बाय बाय। अभी इसमें देख, ये कह रही है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, देख टेढ़े का फोन नहीं है। क्या कह रही थी, अच्छा वही करवाता होगा फोन। तो मैं आज पता लगाया क्या है मम्मी? उसको ये नहीं है, मेरा आदमी है, कुछ है कंजर आई है, तो ना आई इतनी बात कुछ। तो मैं आज पता लगाया बुद्धि कब है उसमें, ये मैं बहुत पहले से पता है। देखिए इसमें क्या है, क्या निकाल लेंगे ये मशीन में? कुछ भी नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं, तो ऐसे क्या निकाल लोगे तुम इसमें मशीन में? एक गिला जूस 5 मौसमी में निकलता है, 4 में 5, और 4 का बनाओ कुछ छोटा बनने का थोड़ा सा। क्या पहन के जाओगी फिर मैम? तो मेट्रो से निकल जाना सीधे सीधे। हाँ तो मेट्रो नहीं जाती, जहाँ तुम बता। सुभाष नगर कहाँ है बाबूजी? राजौरी गार्डन, उसका मेन रोड पे घर है, कोठी है। मम्मी तुम तो वो बेकार में वो करोगी, बस और वो टंटा ओला बाइक करवाना, घर से जाना सीधे बैठ के, बिल्कुल बस वाला ही किराया लगेगा, मेट्रो वाला। अरे वहाँ मिलेंगी ना सारी। हाँ तो ओला बाइक करना ना सीधा, उसमें सही पहुँच जाओगी मम्मी। कोई नहीं, पीरा चाय पियेंगे वो। ओए होए, चलो घोड़े चलाओ घोड़े। गिनी इधर देखो, इधर भाई सर जाओ अब।
इधर ही खड़े हो जाओ इधर। तेरे को ही खाना था बर्गर।